हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ओपन बुक एग्ज़ाम देते हुए आपको किन किन गलतियों से बचना है, कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी है। सबसे पहले तो दोस्तों, आपको ये मेक श्योर करना है कि आपने अपने ही पोर्टल में लॉगिन किया है, आपने किसी और के पोर्टल में लॉगिन ना किया हो। ऐसा दोस्तों मेरे एक फ्रेंड के साथ हुआ, उसने अपने पोर्टल की बजाय अपने फ्रेंड के पोर्टल में लॉगिन करा हुआ था और जब उसने अपनी आंसर शीट्स अपलोड की तो अपने फ्रेंड के ही पोर्टल में अपलोड कर दी। एक्चुअल में दोस्तों हुआ ये था कि उसके फ्रेंड ने उसे एग्जाम से पहले बोला था कि मेरे पोर्टल में लॉगिन नहीं हो पा रहा, जरा तुम ट्राई करना लॉगिन होता है या नहीं। उसने अपने फ्रेंड के क्रेडेंशियल से अपने फोन में अपने फ्रेंड का पोर्टल लॉगिन किया और अनफॉर्चुनेटली एग्जाम के दौरान उसकी इस चीज पर नजर नहीं पड़ी और उसने अपने फोन में अपने फ्रेंड के ही पोर्टल पर अपनी आंसर शीट्स अपलोड कर दी। इसलिए ये चेक करना बहुत जरूरी है कि आपने अपने ही पोर्टल में लॉगिन किया हो। इसके लिए आप पोर्टल पर ऊपर अपना एग्जाम रोल नंबर चेक करें। अब बात करते हैं दूसरी मिस्टेक की जिससे आपको बचना है। दोस्तों, आपको अपना आंसर राइटिंग वाला पार्ट समय रहते ही कंप्लीट कर लेना है ताकि आप अपनी आंसर शीट्स को शांति से अपलोड कर पाएं, कोई जल्दबाजी ना हो, क्योंकि जल्दबाजी में ही मिस्टेक्स होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आपको लास्ट 1 आवर अपलोडिंग के लिए दिया है ताकि अगर आपसे कोई गलती भी हो तो आप उसे करेक्ट कर सकें। नेक्स्ट गलती जो आपको नहीं करनी है दोस्तों, वो ये कि आप जब स्कैन करें अपनी आंसर शीट्स को तो आप अपनी स्कैनर ऐप को जरूर चेक करें। आप चेक करें कि उस स्कैनर ऐप से अगर आपने कोई पीडीएफ बनाई है कि क्या वो प्रॉपरली बन गई है, कोई गलती तो नहीं है। दरअसल एक सब्सक्राइबर ने हमें बताया कि उसने अपनी आंसर शीट्स को स्कैन करके पीडीएफ जिस ऐप से बनाई थी और अपलोड भी कर दी थी और एग्जाम के नेक्स्ट डे जब उसने अपने फोन में अपनी इन पीडीएफ्स को कैजुअली देखा तो वो दंग रह गया। दोस्तों, कुछ ऐसी फोटोज उसे पीडीएफ में देखने को मिली। इसलिए दोस्तों, आपको मेक श्योर करना है कि आपने किसी भी स्कैनर ऐप से स्कैन करके पीडीएफ अगर बनाई है तो क्या वो पीडीएफ प्रॉपरली बन पाई है या नहीं। एंड फ्रेंड्स, आपने जो अपने आंसर्स की पीडीएफ या पिक्स जो अपलोड की हैं पोर्टल पर, उनको फाइनल सबमिट करने से पहले जरूर एक बार रीचेक करें। एंड नेक्स्ट मिस्टेक फ्रेंड्स, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने की है कि उन्होंने आंसर शीट्स अपलोड करने के बाद फाइनल सबमिट के बटन पर ही क्लिक नहीं किया। इसलिए दोस्तों, आप अपने आंसर शीट्स अपलोड करने के बाद फाइनल सबमिट के बटन पर क्लिक करना ना भूलें। एंड फ्रेंड्स, आंसर्स अपलोड करते हुए अगर आपके पोर्टल में कोई एरर आ रहा है या फिर आपको लगता है कि आपसे कोई मिस्टेक हुई है तो दोस्तों, आप बिना समय बर्बाद किए जल्दी से जल्दी अपने आंसर्स को सेंट्रल ईमेल एड्रेस पर मेल कर दें। ईमेल एड्रेस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसके रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शंस भी आप यहां पर पढ़ सकते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यहां भी गलती की, उन्होंने गलत ईमेल एड्रेस पर अपने आंसर्स को मेल कर दिया। OBE स्क्रिप्ट की बजाय OBESEscript@examdu.ac.in पर उन्होंने मेल कर दिया। गलत ईमेल एड्रेस पर अपने आंसर्स मेल करने से ही उन्हें कोई कंफर्मेशन मेल नहीं आया। एंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट मिस्टेक जो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं, जिनसे कोई भी गलती हुई है अपने एग्जाम में, तो वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, अपने फ्रेंड्स से पूछ रहे हैं कि क्या होगा, मैं पास होऊंगा या फेल हो जाऊंगा। ऐसे में दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिले तो आपको इधर उधर किसी से पूछने की बजाय, परेशान होने की बजाय, अपनी प्रॉब्लम को DU एग्जामिनेशन ग्रीवेंस हेल्प डेस्क को मेल करना है, क्योंकि DU के अलावा कोई भी आपको आपकी प्रॉब्लम का करेक्ट सॉल्यूशन नहीं दे पाएगा। और हो सकता है कि आपसे जो गलती हुई है वो इतनी बड़ी गलती ना हो, आप बेवजह ही परेशान हो रहे हो, इसलिए आप पहले एग्जामिनेशन ग्रीवेंस हेल्प डेस्क से पूछें। DU ग्रीवेंस हेल्प डेस्क की ईमेल आईडी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस आईडी पर आप उन्हें मेल करके अपनी प्रॉब्लम के बारे में पूछ सकते हैं। दोस्तों, स्क्रीन पर आप जो क्वेरी देख रहे हैं, इसी सेम क्वेरी को लास्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों ने पूछा था। क्वेरी थी कि DU की तरफ से मेल जो आया है उसमें लिखा है, इट अपीयर्स योर सबमिशन कुड नॉट बी कंप्लीटेड, योर वन और मोर रेस्पॉन्सेज हैव बीन ऑटो सबमिटेड। ये मेल उन स्टूडेंट्स को आया है जिन्होंने अपनी आंसर शीट्स को DU को मेल के थ्रू भेजा था। तो दोस्तों, मैंने आपकी इस क्वेरी को DU ग्रीवेंस सेल के पास मेल किया और जैसे ही DU की तरफ से जो भी रिप्लाई आएगा तो आपको इस चैनल के थ्रू बता दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप अपना ध्यान रखें और बिल्कुल भी परेशान मत हो, अपने आने वाले एग्जाम्स पर फोकस करें। थैंक यू।